हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक पथ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी का बहुत ही हेल्दी नाश्ता। तो जिसको बनाने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लौकी ले ली हूँ। यहाँ पे है फ्रेंड्स चावल, इसको मैं फुला के रात भर रख दी थी। इसमें डाल दी हूँ हरी मिर्च, लहसुन, अदरक। फ्रेंड्स नीचे चला गया है अदरक वगैरह, तो इसको मैं पीस ले रही हूँ। फ्रेंड्स पहले इसका पेस्ट बना लेती हूँ, फिर आगे मैं क्या करती हूँ आप लोग देखते रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चावल का पेस्ट बना ली हूँ। तो अब मैं लौकी को इस पे ग्रेट कर लेती हूँ। लौकी को इस पर फ्रेंड्स, तो मेरा चावल हो चुका है। अब मैं लौकी को इस पर घिस लेती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इस पे अच्छे से घिस लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लौकी गोल ली, तो अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं एक बर्तन ली हूँ, इसमें डाल दे रही हूँ चावल का पेस्ट जो मैं तैयार की थी। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ लौकी। फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो रेड चिल्ली पाउडर, हल्का धनिया और जीरा पाउडर डाल सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं डालिएगा तो भी अच्छा ये लगता है। ज़्यादा मसाला इसमें नहीं डालना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ। हल्का मैं रेड चिली पाउडर डाल दे रही हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा दही डाल सकते हैं, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आप इसमें दही मिक्स करके बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं नमक डाल दी, रेड चिली पाउडर डाल दी हूँ, लहसुन और मिर्ची अदरक का को साथ में पीस ली थी चावल के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बैटर रेडी हो चुका है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तवा टांग दी हूँ चूल्हे पे। अब मैं गैस को ऑन कर ले रही हूँ। अब मैं तवे पे लगा दे रही हूँ घी। आप कोई भी ऑयल लगा सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसको घी ही लगा के बना रही हूँ। फ्रेंड्स बैटर को तवे पे डाल दे रही हूँ। इसको अच्छे से फैला लेना है फ्रेंड्स। ज़्यादा पतील नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, सब अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा पतील नहीं करूँगी, नहीं तो पलटाने में दिक्कत होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से गोला बना लेना है। अगर गोला नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं,
आप कैसे भी बना सकते हैं, खाने में अच्छा लगता है। फ्रेंड्स इसको पलटा लेना है अच्छे से। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स ये अब हो गया है, तो इसको मैं एक थाली में निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब मैं दूसरा बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स तवे पे मैं डाल दे रही हूँ। दोबारा से गोल गोल फैला लेना है। देखिए फ्रेंड्स इसको होने देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इसको मैं पलटा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरह से मैं सारा बना ले रही हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरा ये हो गया लौकी का डोसा रेडी। तो मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा रायता बना लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रायता बनाने के लिए ली हूँ 2 प्याज, हरी मिर्च, 1 कुकुम्बर और 1 टमाटर। तो फ्रेंड्स इसको पहले मैं छोटे छोटे पीस में कट कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा छोटा छोटा पीस में कट हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसमें पहले मैं दही मिला लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दही मिक्स कर ले रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ मेरा मिक्स हो गया रायता। देखिए अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ जीरा और काला नमक, मिक्स है फ्रेंड्स इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हल्का सादा नमक डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर ली मैं। तो फ्रेंड्स चलिए सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं रायता रख दी सर्विंग प्लेट में। यहाँ पे मैं रखते रही हूँ फ्रेंड्स चटनी। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा ब्रेकफास्ट की थाली रेडी हो चुकी है। कितना हेल्दी है फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें घर पे और कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी आपको कैसी लगी। मैं थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ फ्रेंड्स उसके साथ मिक्स रायता चटनी। वाह कितना यमी लगेगा फ्रेंड्स।